हेलो दोस्तों डे रॉय और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ जहां हम कवर करने वाले हैं अगले 25 क्वेश्चंस ऑन मैनेजमेंट फ्रॉम एमसीक्यू 451 टू एमसीक्यू फोर हंड्रेड एंड क्वेश्चन आर इंपॉर्टेंट फॉर एवरी कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट ये उन सारे कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही ज्यादा है जो आने वाले तो कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप भूल जाते हैं सब्सक्राइब नहीं करते जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपलोडेड वीडियो के नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें आइए शुरुआत करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 451 एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हमारे ऑप्शन मतलब में पहला ऑप्शन हेनरीबर्ग दूसरा ऑप्शन एफ डब्ल्यू टेलर तीसरा ऑप्शन हेनरी फेोल चौथा ऑप्शन एल्टन मै और पांचवा ऑप्शन मैरी पार्कर फॉलिट दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 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 बी एफ डब्ल्यू टेलर बिल्कुल सही जवाब हेनरी फ्यूल ने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे लेकिन एफ डब्ल्यू टेलर ने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए थे मैनेजमेंट के तो एफ डब्ल्यू टेलर इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन ठीक है दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 452 क्वेश्चन है हमारा there should be one head and one plan for group of activities this concept proposed by henry fuel is called as dash ठीक है हेनरी फ्यूल ने एक कॉन्सेप्ट दिया था जहां पे उन्होंने बोला था कि ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज के लिए एक हेड होना चाहिए और एक प्लान होना चाहिए ठीक है तो इसको क्या का, इस कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है पहला ऑप्शन है हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन दूसरा ऑप्शन है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड तीसरा ऑप्शन है हमारा सेंट्रलाइजेशन चौथा ऑप्शन है हमारा

फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच इनमें से किस पर्सनैलिटी को हम फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच कंसिडर करते हैं पहला ऑप्शन एब्राहिम मैसलॉ दूसरा ऑप्शन डोगलस मेग्रॉर तीसरा ऑप्शन एल्टन मायो चौथा ऑप्शन मैक्स वेबर पांचवा ऑप्शन मैरी पार्कर फॉलेट दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी एल्टन मायो

कि एक इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के गोल का इंटीग्रेशन होना चाहिए इंटीग्रेशन का मतलब होना चाहिए यूनिफिकेशन यूनिफिकेशन का मतलब होता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इंडिविजुअल का भी गोल होना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन का भी गोल होना चाहिए मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल के तरफ एक इंडिविजुअल के गोल को हमें यूनिफाई करना चाहिए तो इस कॉन्सेप्ट को बेसिकली कहा किया जाता है पहला ऑप्शन गोल मर्जर दूसरा ऑप्शन लिंकिंग गोल्स तीसरा ऑप्शन इंटीग्रल पिन चौथा ऑप्शन लिंकिंग पिन पांचवा ऑप्शन नन ऑफ द दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है लिंकिंग पिन ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर जहां पे रेंसिस लिकर्ड ने इसको मतलब इस कॉन्सेप्ट के तहत यह बताने की कोशिश की है कि इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल का इंटीग्रेशन होना बहुत जरूरी है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 455 बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्वेश्चन है अ प्रोसेस वेयर बाय द सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट जॉइंटली आइडेंटिफाई कॉमन गोल्स एक ऐसा प्रोसेस जहां पे सुपीरियर और उसका सबॉर्डिनेट मिलकर के एक कॉमन गोल को आइडेंटिफाई करता है डिफाइन ईच इंडिविजुअल्स मेजर एरियाज ऑफ रिस्पांसिबिलिटी इन द टर्म्स ऑफ द रिजल्ट एक्सपेक्टेड ऑफ हिम और हर एंड यूज ऑफ दीज मेजर्स एज गाइड फॉर ऑपरेटिंग द यूनिट एंड असिंग द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इच ऑफ इट्स इट रेफर्स टू डैश इसे क्या कहा जाता है पहला ऑप्शन है मतलब यहाँ जो पांच चीजें बताई गई हैं उनमें से किसी ना किसी का ये एक हिसाब से परिभाषा है, डेफिनेशन है, मीनिंग है ठीक है पहला ऑप्शन है लिबरेटिंग मैनेजमेंट ठीक है दूसरा ऑप्शन है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसे एम आई कहा जाता है तीसरा आपका मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव चौथा ऑप्शन है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन पांचवा ऑफ दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में सुपीरियर सबॉर्डिनेट मिल करके कॉमन गोल को आइडेंटिफाई करते हैं और डिफाइन करते हैं इंडिविजुअल का मेजर एरिया और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिजल्ट के फॉर्म में ठीक है और इन रिजल्ट को मेजर भी करते हैं बाद में ठीक है असेस भी करते हैं तो दिस इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हमारा अगला क्वेश्चन 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 नंबर 456 है हमारा हेनरी मिंसबर्क इन हिज फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी कंक्लूडेड दैट व्हाट मैनेजर्स डू कैन बी बेस्ट बी डिस्क्राइब बाय लुकिंग एट द मैनेजर रूल्स दे एंगेज इन एट वर्क ही डिवाइडेड द मैनेजरल रोल्स इन टू हाउ मेनी हेड्स ठीक हैनरी मिट्सबर्ग ने अपनी बहुत डिटेल स्टडी थी कॉम्प्रेंसिव स्टडी थी उसमें उन्होंने बोला कि जो मैनेजरियल रोल्स हैं जो मैनेजर्स काम भी करते हैं ठीक है जो भी काम करते हैं मतलब काम करते हैं जो भी काम करते हैं उनके जो भी रोल्स होते हैं उनके एंगेजमेंट के हिसाब से कहाँ कहाँ उलझे हुए हैं काम में लगे हुए हैं जुटे हुए काम में उसके हिसाब से डिवाइड किया है तो ये कितने मैनेजरल्स रोल्स हैं इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है ठीक है सवाल आप समझ रहे हैं पहला ऑप्शन 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 दूसरा तीसरा चौथा पांचवा दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि हेनरी ने जो रोल्स उनको टोटल तीन हेड्स में डिवाइड किया था ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन ठीक है दोस्तों हमारा अगला फोर हमारा एंड ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कंसिडर्ड एज इनमें से किस फंक्शन को एंटरप्राइज का लाइफ स्पार्क कहा जाता है विच सेट्स इन मोशन ऑफ द पीपल ठीक है जो लोगों को काम करने के लिए मतलब काम करने के लिए मतलब आप समझ रहे हैं ना कि वो काम करना शुरू कर दें ठीक है पहला ऑप्शन प्लानिंग दूसरा ऑप्शन ऑर्गेनाइजिंग तीसरा ऑप्शन स्टाफिंग चौथा ऑप्शन डायरेक्टिंग पांचवा ऑप्शन कंट्रोलिंग तो आप समझते हैं

डेल्फी टेक्निक दूसरा ऑप्शन ब्रेन तीसरा ऑप्शन नॉमिनल ग्रुप टेक्निक चौथा ऑप्शन मल्टी वोटिंग और पांचवा है इंटरक्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी ब्रेन स्ट्रॉमिंग ब्रेन स्ट्रॉमिंग ही एक ऐसा डिसीजन मेकिंग तरीका है जहां पे हम ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में से आइडियाज को एक्सट्रैक्ट करते हैं ठीक है और उन्हें मौका देते हैं कि वो इन अपने आइडियाज को मतलब अच्छी तरीके से एक्सप्रेस करें ठीक है ऑप्शन बी सही जवाब हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन है हमारा स्टार्टिंग विद एन ओवरली हाई सैलरी रिक्वेस्ट रिजल्टेड इन हायर सैलरी ऑफर्स विच ऑफ द बायस कैन बी अब स्टेटेड बी क्लासिफाइड एस ठीक है ऊपर ये जो तो बायस बोला गया किस टाइप का बायस है पहला ऑप्शन कंफर्मेशन बायस दूसरा ऑप्शन ओवर कॉन्फिडेंस बायस तीसरा ऑप्शन हाई साइड बायस चौथा ऑप्शन एंकरिंग बायस और पांचवा है हेलो बायस दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्टार्टिंग विद एन ओवरली हाई सैलरी रिक्वेस्ट रिजल्टेड इन हायर सैलरी ऑफर्स इज एन बायस ऑप्शन डी क्योंकि आप रिक्वेस्ट कर रहे हो बोल रहे हो एंकरिंग कर रहे हो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हमारा अगला क्वेश्चन 461 क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रोड्यूसेस द इन डूइंग टास्क एट द लोअर लेवल ठीक है पहला ऑप्शन फंक्शनल फोरमैनशिप दूसरा ऑप्शन डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम तीसरा ऑप्शन डिविजन ऑफ लेबर चौथा ऑप्शन सेंट्रलाइजेशन और पांचवा ऑप्शन मोशन स्टडी दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए फंक्शनल फोरमैनशिप फंक्शनल फोरमैनशिप एक कॉन्सेप्ट है इंट्रोड्यूस द स्पेशलाइजेशन इन डूइंग टास्क एट द लोअर लेवल ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर गिवन क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 462 क्वेश्चन हमारा लीडरशिप स्टाइल को चार कैटेगरी में डिवाइड करने के लिए बहुत ही फेमस है ठीक है उनको जाना जाता है वॉट इज कहते हैं जब लीडर्स हैव फुल कॉन्फिडेंस इन द सबिनेट्स एंड एंश्योर मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन ठीक है ऑप्शन ए एक्सप्लॉटेटिव e, दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी ऑफ खासियत है, D, above, जो है उसकी यही जो लीडर्स हैं उनका अपने सब में पूरा कॉन्फिडेंस होता है और वो इंश्योर करते हैं मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 463 क्वेश्चन है हमारा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स गिव्स अ क्वांटिटेटिव अप्रोच फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग पहला ऑप्शन क्रिटिकल पाथ मेथड दूसरा ऑप्शन पोर्ट टेक्निक तीसरा ऑप्शन एमआईएस ठीक है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव ठीक है क्रिटिकल पाथ मेथड पर्ट टेक्निक और एमआईएस ये तीनों तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं जो क्वांटिटेटिव अप्रोच बताते हैं मैनेजरल डिसीजन मेकिंग का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 464 क्वेश्चन है हमारा ऑक्टोपैक ओ सी टी ओ पी ए सी ऑक्टोपैक रिफर्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कांसेप्ट इन मैनेजमेंट ठीक है पहला ऑप्शन स डेवलपमेंट दूसरा ऑप्शन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट तीसरा ऑप्शन डिसीजन मेकिंग चौथा ऑप्शन मैनेजमेंट फंक्शन और पांचवा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट दोस्तों क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ठीक है ऑक्टोपैक रेफर्स टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इट्स कॉन्सेप्ट विच इज रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑप्शन करेक्ट आंसर हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव क्वेश्चन है हमारा डब्ल्यू एम Deming suggests four-step model into implementing TQM in the organization. Which of the following represents the model? ठीक है दोस्तों पहला ऑप्शन PDOC, दूसरा ऑप्शन PLDC, तीसरा ऑप्शन PDCA, चौथा ऑप्शन PACD और आखिरी ऑप्शन None of the above. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन C PDCA. PDCA डिफाइन रिप्रेजेंट करता है टीक्यूएम के मॉडल को ठीक है ऑप्शन सी पीडीसी डी सी इज द करेक्ट आंसर हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 466 क्वेश्चन हमारा लेटरली मोबिलाईजिंग एम्प्लॉयज एंड लेटिंग देम सर्व देयर टास्क एट डिफरेंट लेवल्स रोल्स स्किल्स टू इवेलुएट एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस एंड फाइंड अ बेस्ट फिट रोल फॉर देयर प्रोफाइल द अबव स्टेटमेंट रेफर्स टू जॉब एनरिचमेंट जॉब एनलार्जमेंट जॉब रोटेशन जॉब एनालिसिस बोथ ए एंड बी दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी जॉब रोटेशन ये जॉब रोटेशन है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ठीक है जॉब रोटेशन में यही होता है ना लेटरली मोबिलाइजिंग एम्प्लॉयज एंड लेटिंग रोल्स स्किल्स टू इवेलुएट इंप्लाइज परफॉर्मेंस एंड फाइंड अ बेस्ट फिट रोल फॉर देर प्रोफाइल ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 467 क्वेश्चन हमारा व्हिच ऑफ ऑफ द फॉलोइंग कांसेप्ट वेज एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसीडर्ड एज गोल्डन हैंडकफ इनमें से कौन सा वेज एडमिनिस्ट्रेशन का जो कांसेप्ट है उसे गोल्डन हैंडकफ कंसीडर किया जाता है पहला ऑप्शन प्रॉफिट शेयरिंग दूसरा ऑप्शन ईएसओपी एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान ठीक है तीसरा ऑप्शन लीव ट्रैवल अलाउंस चौथा ऑप्शन ग्रेचुटी पांचवा ऑप्शन डियरनेस अलाउंस ठीक है अलाइंस नहीं अलाउंस होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी ई एस ओ पी एसओपीय स्टॉक ऑप्शन प्लान इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ वेज एडमिनिस्ट्रेशन विच इज कंसिडर्ड एज गोल्डन हैंडकफ ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 468 क्वेश्चन है हमारा रैंकिंग फैक्टर कंपैरिजन एंड ग्रेडिंग मेथड आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ठीक है इनमें से किसके साथ रैंकिंग फैक्टर कंपैरिजन और ग्रेडिंग का मेथड इस्तेमाल किया जाता है पहला ऑप्शन जॉब एनालिसिस दूसरा ऑप्शन जॉब इवेलुएशन तीसरा ऑप्शन जॉब डिजाइन चौथा ऑप्शन ट्रेनिंग पांचवा ऑप्शन परफॉर्मेंस अप्रेजल दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी जॉब इवेलुएशन ठीक है जॉब इवेल्युएशन में रैंकिंग फैक्टर कंपैरिजन और ग्रेडिंग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है ऑप्शन बी सही जवाब हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 469 क्वेश्चन है हमारा रैंकिंग फैक्टर कंपैरिजन एंड ग्रेडिंग मेथड आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ठीक है इनमें से किसके साथ ये जुड़ा हुआ है पहला ऑप्शन जॉब एनालिसिस दूसरा ऑप्शन जॉब इवेलुएशन तीसरा ऑप्शन जॉब डिजाइन चौथा ऑप्शन ट्रेनिंग पांचवा ऑप्शन परफॉर्मेंस अप्रेजल दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी जॉब इवेल्युएशन जॉब इवेलुएशन में रैंकिंग फैक्टर कंपैरिजन ग्रेडिंग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है ऑप्शन बी द गोल ऑफ मेकिंग पीपल अवेयर ऑफ देयर ओन गोल्स एज वेल एज देयर प्रेज एंड आर मोर सेंसिटिव टू अदर्स एंड टू द द ग्रुप इंटरक्शन वॉट डेफर्स टू ठीक है ये हमारे सामने चार ऑप्शन है टोटल पांच है जिसमें चार एक ऐसे मेथड्स हैं ऐसे ट्रेनिंग के फॉर्मेट्स हैं जो आपको अवेयर करते हैं कि आपका कोई गोल होना चाहिए ठीक है उसे आपको अचीव कर रहे हैं आपको उसके प्रति सेंसिटिव बनाते हैं ठीक है थेके? तो ये कौन सी ट्रेनिंग का एक तरीका है पहला ऑप्शन इनबास की ट्रेनिंग दूसरा ऑप्शन सेंसिटिविटी ट्रेनिंग तीसरा ऑप्शन सिमुलेशन ट्रेनिंग चौथा ऑप्शन रोल प्लेइंग और पांचवा ऑप्शन नन ऑफ द अब दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी सेंसिटिविटी ट्रेनिंग सेंसिटिविटी ट्रेनिंग इज अ फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग विद द गोल ऑफ मेकिंग पीपल अवेयर ऑफ देयर देयर ओन गोल्स एज एज वेल एंड आर मोर सेंसिटिव टू अदर्स एंड टू द डायनेमिक्स ऑफ ग्रुप इंटरक्शन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 471 क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेनिंग मॉडल रिजल्ट ऐसा ट्रेनिंग मेथड जिसमें हमें रिजल्ट दिखना चाहिए और टेक्स इंटू अकाउंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ठीक है पहला ऑप्शन इंस्ट्रक्शनल सिस्टम डिजाइन दूसरा ऑप्शन एडी मॉडल तीसरा ऑप्शन पैट्रिक मॉडल और चौथा ऑप्शन फिलिप्स मॉडल पांचवा नन ऑफ द अब दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी फिलिप्स मॉडल ठीक है ये एक ऐसा मॉडल है ट्रेनिंग का जो फॉलो करता है रिजल्ट बेस्ड अप्रोच ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 472 क्वेश्चन है मेथड ऑफ करियर पाथिंग दैट कंटेन्स बोथ वर्टिकल सीक्वेंस ऑफ जॉब्स and a series of horizontal opportunities is called as dash okay option traditional career path dusra option dual career path teesra option network career path chart option lateral skill path punch option none of the above dosto is question ka sahi answer है. option c network career path is a method of career pathing that contains both vertical sequence of jobs and a series of horizontal opportunities option c is the correct answer अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 473 क्वेश्चन है हमारा द प्रोसेस इन व्हिच मैनेजर्स मेक टॉप डाउन असेसमेंट एंड रेटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ देयर सबोर्डिनेट्स इन एनुअल मीटिंग इज कॉल्ड डैश ठीक है दोस्तों पहला ऑप्शन परफॉर्मेंस अप्रेजल दूसरा ऑप्शन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट तीसरा ऑप्शन ए एंड बी चौथा ऑप्शन करियर डेवलपमेंट उसके बाद आखिरी ऑप्शन None of the above दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रोसेस इन विच मैनेजर मी टॉप डाउन असेसमेंट एंड रेटिंग परफॉर्मेंस ऑफ दबिनेट इन मीटिंग क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 474 क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रेजल मेथड फोकस ऑन द एम्प्लॉइज फ्यूचर परफॉर्मेंस रान द पास्ट वन इनमें से कौन सा अप्रेजल मेथड फ्यूचर में मतलब फोकस क्या करता है कि जो परफॉर्मेंस था पास में उसे छोड़ करके फ्यूचर पे फोकस किया जाता है कि पास में जो था सो so, so, था फ्यूचर में चीजें और अच्छी हो सकती है मतलब ऐसा ही कंपैरिजन का मेथड है वो कौन सा है पहला ऑप्शन पेड कंपैरिजन दूसरा ऑप्शन 360 डिग्री अप्रेजल तीसरा ऑप्शन क्रिटिकल इंसिडेंट अप्रेजल चौथा ऑप्शन साइकोलॉजिकल अप्रेजल पांचवा ऑप्शन कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी साइकोलॉजिकल अप्रेजल ये अप्रेजल का मेथड है जो फोकस करता है एम्प्लॉय के फ्यूचर परफॉर्मेंस पे ना कि पास्ट पे ऑप्शन डी इज द आंसर हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 475 question है हमारा एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज स्किल्ड एट क्रिएटिंग अक्वायरिंग एंड ट्रांसफरिंग नॉलेज एंड मॉडिफाइंग इट्स बिहेवियर टू रिफ्लेक्ट न्यू नॉलेज एंड इनसाइट इज कॉल्ड एज एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन दैट इज स्किल्ड एट क्रिएटिंग जिस जो स्किल्ड है मतलब स्किलफुल है क्रिएट करने में अक्वायर करने में और ट्रांसफर ऑफ नॉलेज और उसे मॉडिफाई करने के लिए ताकि नए नॉलेज को आप ला सके नई इन को पता लगा सके हम क्या बोलेंगे पहला ऑप्शन रैशनल ऑर्गेनाइजेशन दूसरा ऑप्शन लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन तीसरा ऑप्शन फ्लेक्सीबल ऑर्गेनाइजेशन चौथा ऑप्शन स्किल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन नन ऑफ द अब दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है, स्किल्ड एट क्रिएटिंग एंड ट्रांसफरिंग नॉलेज एंड मॉडिफाइंग न्यू नॉलेज एंड knowledge and insight. हम लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं दोस्तों वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा ऑन दिस नोट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हैव अ गुड डे ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन